बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा प्लान, मोदी से लड़ाई से पहले का प्रयोग, प्रयोग से अखिलेश को भी लगेगा झटका, ममता नीतीश की महत्वाकांक्षा पर मायाजाल। क्या बीएसपी प्रमुख मायावती प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बड़ी चाल चलने वाली हैं? जो चल गया तो पीएम मोदी का सपना अधूरा रह जाएगा। क्या मायावती की इस रणनीति से बीजेपी को 2024 में बड़ा झटका लगने वाला है? क्या मोदी ने जो यूपी बीजेपी को 80 में से 80 सीटों का टारगेट दिया है, मायावती के इस प्लान से वो बुरी तरह से नाकाम हो जाएगा? क्या बीएसपी प्रमुख के इस नए प्लान से यूपी की सियासी जमीन की बुनियाद हिलने वाली है? मायावती के इस प्लान के प्रयोग की जद में अखिलेश समेत सबकी राजनीति जद में है। मायावती के इस प्रयोग से न सिर्फ बीजेपी बल्कि सपा समेत तमाम पार्टियों को नुकसान झेलना ही पड़ेगा। नीतीश, ममता समेत सबकी महत्वाकांक्षा पर मायावती ने किंग वाला दांव चला है। ऐसे में सवाल है, यूपी में खोई जमीन वापस पाने के लिए मायावती का नया प्लान क्या है? ये नया प्रयोग क्या है? किन पर मायावती दांव लगाने की रणनीति पर काम कर रही हैं? बस दो मिनट में परत दर परत सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं बीएसपी अब नींद से क्यों जागी है। दरअसल एससी एसटी के सहारे यूपी में राजनीति करने वाली बीएसपी के पिछले कुछ चुनावी नतीजों पर नजर डाली जाए तो ये खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसका अंदाजा साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मिली सीटों से लगाया जा सकता है। इस चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट रसड़ा बलिया के रूप में मिली। बीएसपी सुप्रीमो ने फिर जनाधार को वापस पाने के लिए जिद पाली है, संगठन को नए सिरे से दुरुस्त करने का इरादा कर लिया है। अब बीएसपी 2024 के लिए एक बेहतर तरीके का प्रयोग करने वाली है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद मायावती ने बीएसपी को यूपी में फिर से सियासी ट्रैक पर लाने के लिए तमाम रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। 2024 के लिए अगर प्रत्याशियों को बीएसपी का टिकट चाहिए तो उन्हें मायावती की ओर से दिए गए टास्क को किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से ली गई परीक्षा में पास होना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे, मायावती किस तरह से 2024 में लोकसभा सीटों के लिए टिकट के दावेदारों का चयन करेंगी, किस तरह से परीक्षा लेंगी? तो यूपी में एक चुनाव आने वाला है, नाम है उसका निकाय चुनाव। इसी चुनाव में मायावती के टारगेट पर मेयर की सीटें हैं। इसके जरिए अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए मायावती नया दांव आजमा सकती हैं। मेयर चुनाव में होने वाली मेहनत से मिलने वाली संजीवनी लोकसभा चुनाव के लिए मायावती को काफी उम्मीदें हैं। इसी के जरिए मायावती 2024 के लिए लक्ष्य साधेंगी। निकाय चुनाव में मेयर की सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। संसदीय चुनाव के बराबर मतदाता एक मेयर को चुनते हैं, इसीलिए पार्टियां इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव मानती हैं। बीएसपी यूपी की 17 सीटों पर मेयर चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। पूछा गया है कि उनके यहाँ ऐसे कितने नेता हैं जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारी तय की जाएगी। निकाय चुनाव में बेहतर रिजल्ट देने वाले की लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी मजबूत होगी। यही नहीं, इससे आगे एक और रणनीति मायावती इस चुनाव में अमल करेंगी। मेयर चुनाव में पूर्व सांसदों और विधायकों पर दांव लगाने का मंथन चल रहा है। इनकी लिस्ट मंगाई गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती को भरोसा है कि इससे यूपी में दरक रही जनाधार को फिर से कायम करने में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर चुनावों में मन मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दूर किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव में बीएसपी अपनी भागीदारी मजबूती के साथ रखने के लिए तैयार है। ये मायावती का सफलता या असफलता वाला प्रयोग है। दोनों ही स्थितियों में मायावती को 2024 के लिए अपनी पार्टी का आकलन करने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या ये बीजेपी और सपा के लिए झटका जैसा नहीं है? अगर मायावती की सियासत यूपी की सियासी ट्रैक पर रफ्तार के साथ दौड़ी तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? अपना कमेंट जरूर करें, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।